ग्रीक सोसाइटी है ये बेसिकली इसके अंदर जो ऑब्जर्वेंस होती थी नेचुरल लॉज की वो थ्रू रिचुअल्स और थ्रू सेरेमनीज होती थी। ठीक है, अब वो क्या होती थी, अब इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि सो कॉल्ड प्रिमिटिव मैनकाइंड शेयर्ड इन द लाइफ ऑफ नेचर वाज इनिशिएटेड वाया रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इनटू इट्स रूटीन। ठीक है, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट लाइफ एंड देयर बाई कीप विद इन नेचर्स ग्रेस द नेचुरल कंसीव्ड एज द न्यूमिनस एंड द सेक्रेट इम्पोज रिस्पेक्ट। अब जो उन्होंने अपनी रिचुअल्स बनाई थी और जो सैर, अगर कोई बंदा किसी को ना नहीं पसंद होती, अगर कोई बंदा निगेट करता था तो वो क्या उसको उस सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था कि उसके अंदर एक ट्राइबल कल्चर था, ट्राइबल कल्चर था, उसने अपनी एक सर्टेन नॉर्म्स इस्टेब्लिश की है, सर्टेन रिचुअल्स इस्टेब्लिश की है। अब उसमें यह होता था कि एक बंदा अगर उस चीज़ से निगेट कर रहा है तो उन्होंने उसकी अगेंस्ट उसकी सजाएं भी रखी। यानी इससे ये हम एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उस बंदे को इतना आइसोलेट कर दिया जाता था कि पूरी सोसाइटी से कि ना वो किसी के साथ सोशल गैदरिंग कर सकता है, ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, ना ही कोई और वो पार्टिसिपेशन किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में एक्टिविटी में कर सकता है कि वो ऑलमोस्ट उसकी एक ज़िंदा मौत ही होती। और अपना एरिस्टोटल आए तो इन्होंने उसको मज़ीद आगे लेके गए। ये किस तरह लेके गए, बेसिकली ये इसी तरह लेके गए कि थ्रू इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, और वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बाद में एक बुक फॉर्म में पब्लिश हुई, वो फिर डिबेट्स होती थी, फिर इसी डिबेट को कंटिन्यू करते करते उन्होंने ग्रीक सिटी स्टेट्स बना दी, और फिर वो थोड़ा सा नेचुरल लॉ से निकल के मैन मेड लॉ की तरफ आ गए कि जी अगर हमने एक सोसाइटी एक सिटी स्टेट बनानी है उस स्टेट को फिर चलाने के लिए हमें सर्टेन रूल्स भी बनाने पड़ेंगे जो कि मैन मेड। इंटरेस्टिंगली जो सोक्रेटिस था ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और उसको जो सजाए मौत दी गई यानी उस वक्त वो जहर का प्याला पिलाते थे और वो इसी बेस पे दी गई थी कि वो जो है प्रो डिक्टेटरशिप, उन्होंने इसमें दिया था कि इसने बेसिकली नौजवानों के जो जहन है वो ख़राब किया है डेमोक्रेसी से और डिक्टेटरशिप की तरफ लेके गया, तो इस वजह से जो है ना वो ये कहता था कि भाई डेमोक्रेसी में जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा विल दे देते हैं तो फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। अब इसमें वो ये कहता है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी मे हैव फेल्ट आइदर पावरलेस बिफोर नेचर, कि उसमें नेचर ही रूल करती है, जो हिकमत है सारी आप देख लें ग्रीक मिथोलॉजीज में मिलती है कि वो इंसान की जो ट्रीटमेंट है वो नेचर से करते थे, उन्होंने वॉरियर्स जो वो बनाते थे वो पहले उसको नेचर में जा के फेंक देते थे, इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी हैं कि वो जंगलों में बच्चे को फेंक देते हैं, वहाँ से वो लड़ता है मजबूत इंसान बनता है, फिर उसको वो अपनी सोसाइटी में लेके आते हैं, तो वो नेचर ही उसके इर्द गिर्द। तो ये बेसिकली नेचुरल लॉ के वो फेज़ है जहाँ से वो फिर पॉजिटिव लॉ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इनफॉर्मल वे में डिबेट होती रही है, आजकल फॉर्मल वे में होती है, आजकल पार्लियामेंट्स बन गई हैं, उस वक्त ऐसे लोग बैठ के डिबेट्स किया करते थे। और ये जो पंचायत सिस्टम है, आज भी अगर देहातों में जाएं, मैं तो खुद एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल। अगर हमारे इलाके में आज भी चोरी हो जाए तो उसकी पहले एफआईआर से पहले, यानी लोग एफआईआर की तरफ नहीं जाते, पहले पंचायत बुलाई जाती है और वहाँ पे लेट्स सपोज जैसे हामिद साहब हैं जी, इनकी जी एक बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ये अच्छी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको बिठा दिया जाएगा साथ, इस तरह दो चार और बिठा दिए जाएंगे, वो दोनों पार्टीज़ को फॉर और अगेंस्ट जो भी पार्टीज हैं उन दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद फिर वो अपना एक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अपना एक वर्डिक्ट दे देंगे और वो वर्डिक्ट बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ पे। अगर उस वर्डिक्ट के बावजूद कोई पार्टी अगेंस्ट होती है तब वो जाती है फॉर्मल लॉ की तरफ, और ये एंशिएंट सिविलाइजेशन से आ रहा है। तो इश्यू सिर्फ यही है कि आपका जो जस्टिस सिस्टम, बेसिकली आपका जस्टिस सिस्टम इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता जब तक आप अपनी मोरालिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे।